पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीएल फिल्म एवं टीवी प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और हाल ही में प्रदर्शित फिल्म डार्क फेसेस द मिसयूज के डायरेक्टर संजय सिंह ने कहा कि प्रोडक्शन का मकसद स्थानीय कलाकारों को बॉलीवुड तक पहुंचाना है। साइंस के दुरुपयोग पर बनी डार्क फेस द मिसयूज में मुरादाबाद, संबल और अमरोहा के स्थानीय कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है और रिलीज के साथ ही फिल्म नए आयाम स्थापित कर रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर सरताज आलम, अनंत सिंह, डॉक्टर नीलू सिंह हैं, जबकि कहानी और संवाद संजय सक्सेना का है और संगीत पुलकित भटनागर का रहा है। फिल्म में सपा नेता सरताज आलम की बेटी हुदा आलम, सनी नियोल, आरिफ मलिक, ऋषि अरोरा, काजल, प्रगति शर्मा, दिव्या, सुप्रिया नावेद, मोती राजपूत आदि हैं और सभी स्थानीय कलाकार हैं। कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और सब यहाँ पर मुरादाबाद के ही हैं, चबरसी के हैं, संबल के हैं और लोकल मुरादाबाद के हैं। मेन उद्देश्य जो हमारे फिल्म प्रोडक्शन का है कि जितने स्थानीय कलाकार हैं उनको प्रमोट करना, उनको प्रोफाइल यहाँ पर बने और उस प्रोफाइल के साथ जब वो बाहर जाएं तो उनका शोषण ना हो और उनको काम आसानी से मिले, उनकी प्रतिभा बाहर आ पाए। तो मेन मोटिव तो हमारे प्रोडक्शन का ये रहा है और इसी उद्देश्य से हमने फिल्म को शुरू भी किया था और बहुत ही कम बजट से, छोटे बजट से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर को विस्तार मिलता गया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने। जो साइंस के ऊपर काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जहन में एक चीज़ ये जानी चाहिए कि साइंस जो है हमारे लाभ के लिए है और उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका कितना असर गलत जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है कि जितना साइंस का डेवलपमेंट हो रहा उतना इंसान कंफर्ट जोन की तरफ जा रहा है, आराम की तरफ जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही है, नेचर से दूर हो रहा है। तो उस चीज़ का भी मैसेज बच्चों तक जाएगा कि फिल्म को उस नज़रिए से देखें। मेरा तो पब्लिक से भी यही कहना है कि इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। पब्लिक के आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी पब्लिक है मुरादाबाद की हो या कहीं की हो, कि इस मूवी को ज़रूर देखें। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। हमने प्रयास किया है कि मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म टैलेंट लोगों के अंदर से उभर के आए और वो काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि मुरादाबाद एक छोटी जगह है, यहाँ पर टैलेंट बहुत है लेकिन काम जो कराने वाले चाहे वो डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, अभी तक ऐसा काम नहीं किया है जैसे कि हमारी डार्क फेसेस पिक्चर में काम किया कराया हमने सब लोगों से। और बात यही है कि हम जो शूट जहाँ जहाँ हुआ है तो एक फैमिली सिस्टम में है। हम लोग ऐसा शूट करते थे कि जितने कलाकार हैं और हैं हमारे, जैसे पुलकित जी हैं, संजय सिंह जी हैं और हमारी डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, ये सब लोगों ने खूब एक दूसरे को सहयोग, सपोर्ट और बहुत अच्छे ढंग से, हमारे जितने कलाकार हैं सब बहुत अच्छे ढंग से काम किया और मेहनत और लगन से किया। हम यही चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म, मुरादाबाद छोटी जगह है, यहाँ पर टैलेंट उभर के आना चाहिए और काम करना चाहिए। नीलू सिंह, बाय प्रोफेशन आई एम नेचुरोपैथिस्ट। मैं अपने पेशेंट का इलाज बिना दवाइयों के करती हूँ। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बात करते हैं डार्क फेसेस की। इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो यहीं के हमने लिए हैं, कलाकार हैं, बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं और उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया और नो डाउट उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। उसमें उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और एक्सपीरियंस तो नो डाउट उन्हें मिला ही। तो इस तरीके से अच्छा काम हुआ है और साइंस का जो इसमें दिखाया गया है मिसयूज़ है ना, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि साइंस के आपने वैसे भी देखा होगा, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में, मैंने कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी तो उसमें एक टॉपिक हमारा हुआ करता था कि विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो साइंस के ये दोनों ही रूप हैं, है ना। अभिशाप अगर आप उसका अच्छा यूज़ करें देन वो हमारे लिए बून है, वरदान है, और अगर मिसयूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अभिशाप की तरह है। तो इसमें ये मैं तो इसे मोटिवेशनल मूवी भी कहना चाहूँगी कि लोग साइंस का मिसयूज़ किस किस तरह से कर सकते हैं, वो थोड़ी सी नॉलेज हमें मिलेगी। हम लोग मूवी में, हम लोगों ने गाने दिए हैं, लीड स्टूडियोज़ और हमने मिलकर गाने दिए हैं,
और ये हमारे गाने के एक सिंगर हैं, एक हमारे सिंगर आदित्य चंदेल रहे हैं और एक पलक अग्रवाल रही हैं। दो गाने हमने मूवी में दिए हैं। मूवी बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा काम उन्होंने सब लोगों ने किया, सब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसमें जो है मूवी को यहाँ तक लेके आने के लिए। क्या कुछ नया है मूवी? बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे है। इस मूवी का कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अब तक बॉलीवुड में हम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा वो इसमें हमारे को देखने को मिलेगा। यूथ को इसके अंदर बहुत एंटरटेनिंग गाने मिलेंगे, बहुत ही अच्छा है इसके अंदर आपको सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग का काम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आप लोग जब भी इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट से ये मूवी खराब हो रही है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।